पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। एचएसआरए में मातम सा छा गया। सारे देश के मुंह पर चाटा है लाला जी चर्चा। तो 22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान ले लेते हैं उनकी और कोई कुछ नहीं कर रहा। इंतजार क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं ना। कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद बकवास बकवास। सच तो ये है कि सबके सब नपुंसक की तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बस इवन नहीं चपते हैं। इसका जवाब हम देंगे पंडित जी, इसका जवाब हम देंगे। बचपन से ही सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम सुनता है। उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाई, कहा कि गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए। फंसते गांधी में डाल के बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिलों में आग लगा के बच्चे तैयार। लेकिन एक दिन खबर आई कि चौरी चौरा मूवमेंट के बाद हमारा ये मूवमेंट वापस ले लिया गया है। स्कूलों के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, कॉलेजों में दाखिला मिलना मुमकिन था। तुम्हें तो यादों का सुख है। वो तो शुक्र है लाला जी का, जिन्होंने हमारे लिए नेशनल कॉलेज खुलवा दिया, वरना दर्दर की ठोकरे खा रहे होते। लेकिन उस पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट जिसने हमारे लाला जी को इसका जवाब हम उस पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट की हत्या करनी होगी। भगत सही कह रहे, सही कह रहे भगत। सिर्फ यही एक तरीका उसको जवाब देने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है और इसी में खौफ पैदा हुआ। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। हत्या क्या हम यार अपना डिपार्टमेंट है, चुपचाप बैठो सुन तो लो क्या कर रहे हैं। लेकिन ये पुलिस वाले कोई मासूम इंसान नहीं है। जलिया वाले कान को यूं ही भुला दोगे तुम? इनकी इस हरकत से इनका पेशिया पंचर लगता है। इसे मारकर हम इसकी उस हुकूमत से बात करेंगे। तो फिर हो गया, मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर जाके उस ताले को गोली से उड़ा देता हूँ। बात करो, गरम से गरम काम करते वक्त अपने दिल और दिमाग को ठंडा रखा करो। कौन कौन इस एक्शन में मेरे साथ आना चाहेगा सोच लो। कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। क्योंकि एक्शन में मैं खुद रहूंगा तो प्लान सुखदेव का होगा।